नमस्कार, मैं कंचन, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया की राजनीति और उसके हाल समाचार बताते हैं, क्या चल रहा है देखते हैं। साख मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी तेलंगाना में टीडीपी से कर सकती है गठबंधन। तेलंगाना में खुद को मजबूत करने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अब तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसके पीछे के चंद्रशेखर राव को सत्ता में आने से रोकने का मकसद है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा रौंदी गठबंधन है। पिछले कुछ दिनों में बने हालात से संकेत मिला है कि टीडीपी जल्द ही बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए में वापस आएगी। केसीआर की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री की है चाहत। राष्ट्रीय राजनीति में जहां केसीआर अहम भूमिका निभाने की तैयारी में, वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तेलंगाना में लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं को तेलंगाना में सिलसिलेवार दौरा और हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ भाजपा के तेलंगाना नेतृत्व की गतिविधियां पूरी तरह से इस बात का इशारा कर रही हैं कि राज्य में केसीआर को टक्कर देने की तैयारी है। हालांकि तेलंगाना की राजनीति में टीडीपी अधिक दिनों तक नहीं बढ़ पाई है, पार्टी नहीं रहेगी। पार्टी को आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बेहतर समर्थन प्राप्त है। 32 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का है फोकस। अपने मिशन 2023 के तहत बीजेपी कुल 119 में से करीब 32 विधानसभा क्षेत्रों में फोक कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक्टर पवन कल्याण नीत जनसेना पार्टी की ओर से बीजेपी को अधिकतम सीटों पर जीत मिल सकती है। उनमें से अधिकतर विधानसभा क्षेत्र हैदराबाद में और इसके आसपास है। शाख मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी तेलंगाना में टीडीपी से कर सकती है गठबंधन। तेलंगाना में खुद को मजबूत करने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अब तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसके पीछे के चंद्रशेखर राव के चंद्रशेखर राव को सत्ता में आने से रोकने का मकसद है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा रोधी गठबंधन है। पिछले कुछ दिनों में बने हालात से संकेत मिला है कि टीडीपी जल्द ही बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए में वापस आएंगे। केसीआर की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री की है चाहत। राष्ट्रीय राजनीति में जहां केसीआर अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तेलंगाना में लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं का तेलंगाना में सिलसिलेवार दौरा और हैदराबाद में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ भाजपा के तेलंगाना नेतृत्व की गतिविधियां पूरी तरह से इस बात का इशारा कर रही है कि राज्य में केसीआर को टक्कर देने की तैयारी है। हालांकि तेलंगाना की राजनीति में टीडीपी अधिक दिनों तक बड़ी पार्टी नहीं रहेगी। पार्टी को आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बेहतर समर्थन प्राप्त है। 32 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का है फोकस। अपने मिशन 2023 के तहत बीजेपी कुल 119 में से करीब 32 विधानसभा क्षेत्रों में फोकस कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक्टर पवन कल्याण नीत जनसेना पार्टी जेएसपी की ओर से बीजेपी को अधिकतम सीटों पर जीत मिल सकती है। इनमें से अधिकतर विधानसभा क्षेत्र हैदराबाद में और उसके आसपास है। आज की खास खबरों को विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।